दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कड़छी क्वीन में। आइए आज मेरे साथ बनाएं कच्चे केले के कबाब। इसके इंग्रेडिएंट्स का मेजर देखना है या डिटेल रेसिपी देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मैंने कच्चा केला लिया है जिसको मैंने छील के काट लिया है। ये मैंने कुछ कटे हुए प्याज लिए जिन्हें मैंने बारीक बारीक काटा है। हरा धनिया लिया है, थोड़ा अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तो आइए देखिए इसको कबाब को तैयार कैसे करना है। तो आप एक पैन में आप तेल गरम कीजिए करीब 2 चम्मच। इसके अंदर आप गार्लिक, जिंजर और प्याज जो है वो डाल दीजिए और इन्हें हल्का सा भूनिए। अगर आप इसको उसको भून के इस तरह से कबाब में डालेंगे बनाएंगे तो कबाब का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। कच्चे प्याज या अदरक लहसुन डालने से उसमें बड़ी महक अच्छी नहीं आती है। इसको 3-4 मिनट आप हल्का सा सुनहरा होने तक भूनिए। इसमें नमक और थोड़ा जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, थोड़ी काली मिर्ची। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए इसमें तो आप इसमें 1/2 चम्मच अमचूर भी डाल सकते हैं। इस मसाले को थोड़ा तकरीबन 2-3 मिनट तक भूनिए और इसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। तो जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप एक मिक्सर में जो आपने वो केले छील के रखा था वो लीजिए, उसके अंदर आप ताज़ी हरी मिर्च डालिए और हरा धनिया डालिए और जो हमने मसाला किया था ठंडा किया हुआ मसाला प्याज लहसुन अदरक वाला और मसाले वाला वापस में डाल दीजिए। अब आप इसका एक कोर्स पेस्ट बना लीजिए मिक्सी में, बहुत बारीक मत कीजिए, हल्का सा कोर्स पेस्ट रहने दीजिए जैसे मैंने ये बनाया। ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है पेस्ट जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके जब आप अब ये इसके आप कबाब बनाते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, अपनी हथेली पे दोनों हाथों को तेल लगा के रगड़ लीजिए और ये एक गोला बनाइए इसका कबाब का। और ये बहुत सॉफ्ट होता है तो बड़े ध्यान से इसको केयरफुली आप इसको इस तरह से जिस भी शेप में आपको चाहिए आप इसको ऐसे बना के कबाब बना के रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं तो इसलिए अगर आपने 4-5 कबाब बनाने हैं तो आप पहले उन्हें बना के रख लीजिए प्लेट में थोड़ा तेल लगा के, जैसे मैंने रखे हैं। अब आप एक पैन में नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो नॉन स्टिक पैन में आप 2 से 3 चम्मच तेल गरम कीजिए, आपका तेल गर्म हो जाए तो आप बहुत केयरफुली किसी 2 चम्मच की मदद से इसको रख दीजिए, चम्मच की मदद से इसे तलने के लिए रख दीजिए। आंच को बिल्कुल मीडियम रखिए वरना ये जल बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से 2 चम्मच की मदद से जैसे मैं ये पलट रही हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट है इसको ऐसे पलटा लीजिए और इनको हल्का गोल्डन होने तक पका लीजिए दोनों साइड से और बहुत मीडियम आंच पे पकाना। तो लीजिए आपके स्वादिष्ट कबाब तैयार हैं। इन्हें आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ पेश कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।